हेलो फ्रेंड्स, और अभी हम लोग आ गए हैं थोड़ा ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि घर में चावल ख़त्म हो गया था। और जो चावल हम लोग खाते हैं वो यहाँ पे डी मार्ट में ही मिलता है, तो इतना दूर आए हैं तो घर का कुछ ज़रूरत का सामान भी ले जाते हैं। यही सोच के हमने चाय का पत्ती और एवरीडे और बेटी के लिए चोको चिप्स भी मैं यहाँ पर ले ली। और वो उधर गुड़ देख रहे थे, बोले थोड़ा गुड़ लेते हैं, और दो प्रकार का गुड़ था, जो कि हमने ये वाली गुड़ लिए। और ये गुड़ लेने के लिए बोले, पर क्या बनाएंगे इसमें पता नहीं, जब बनाएंगे तो तब पता चलेगा। फिर हम लोग यहाँ गुड़ ले लेते हैं, फिर आ जाते हैं चावल के लिए। और हमने यहाँ पे चावल भी ले लिए 5 किलो, क्योंकि 5 किलो का चावल हम लोग का बहुत दिन जाता है, और क्योंकि हम लोग एक टाइम रोटी भी खाते हैं। अगर बाई चांस ख़त्म भी हो जाता है तो मैं बिग बास्केट से मंगा लेती हूँ, और फिर जब समय मिलता है तो फिर इधर आ जाते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं दाल के लिए, तो मैं यहाँ पे ले ली मूंग का दाल और तूर दाल और चना दाल। फिर इधर ये देख रहे हैं मुरमुरा, बोले थोड़ा मुरमुरा ले लेते हैं। फिर बोल रहे कि ये मुरमुरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा दाना है। मैं बोली हाँ, ये मशीन वाला है इसीलिए। फिर हम लोग एक पैकेट बीरी भी ले लेते हैं। फिर ये दावत का चावल लेने का बोल रहे थे, तो मैं बोली ठीक है ले लो, लेकिन एक ही पैकेट लेना, क्योंकि ये वाला चावल हम लोग का ज़्यादा यूज नहीं होता है। और फिर हम लोग आ जाते हैं, एक पैकेट जीरा मैं ले ली यहाँ पे। फिर इधर पापड़ लेना था, तो पापड़ भी हम लोग यहाँ से ले लिए, प्लेन वाला पापड़ हम लोग ने लिया यहाँ पे, और एक ही पैकेट हम लोग वहाँ पे लिए। फिर इधर सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल भी ले लिए हम लोग 1-1 लीटर का। और घर में पेस्ट भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी हम लोग ले लिए। और फिर अब मेन चीज़ है मैगी, जो कि बहुत ज़्यादा भूख लगे और जल्दी भी कुछ बन जाए, ऐसे टाइम में ये मैगी ही बहुत काम आता है, तो मेरे घर में हमेशा मैगी का स्टॉक रहता ही रहता है। फिर मैं यहाँ पे ले जाती हूँ 5-5 पैकेट का मैगी और इप्पी। फिर इधर ये कारपेट देख रहे थे, बोले कि कारपेट लेते हैं। फिर खुद ही बोले कि नहीं, ये फोल्ड हो जाएगा बिछाने के बाद। और मैं इधर कप देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा एक कप का सेट मिला, जो कि 299 था, और मेरे घर में मेरा कप टूट फूट के बाकी 2-3 ही बचा है। फिर मैं ये ले आती हूँ। फिर ये मुझे बोलते हैं बस कप ले और चल यहाँ से निकल, तो थोड़ी देर यहाँ पे रहेगी तो बिल तो पक्का 20,000 का बनाएगी। और फिर मुझे ये ज़बरदस्ती इधर ले आते हैं। फिर हम लोग बिलिंग काउंटर में अपना सामान बिलिंग करवाते हैं। फिर ये भैया बोलते हैं जो कप आप लिए हो उसको थोड़ा चेक कर लो, क्योंकि फिर ये रिटर्न नहीं होगा। तो हम लोग फिर वहाँ पे सारे कप को चेक किए, तो सारा सही था, लेकिन एक बात है कि इसका हैंडल थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिर भी 299 में देखा जाए तो ठीक ही है। और फिर सारा सामान हमने बैग में भर के फिर ले आए, और हम लोग फिर इधर से निकल गए डी मार्ट से। आते ही हम लोग यहाँ पे बाहर निकलते ही हम लोगों ने सामान सब गाड़ी में रख लिए। एक गाड़ी में सामान रख रहे थे कि मैं बस पीछे पलट के मैं देखी तो एक अंकल एक प्यारा सा सुंदर सा क्यूट सा डॉग को घुमा रहे थे, देखिए कितना क्यूट सा है। तो मैं फटाफट जाके उसका वीडियो में बना ली, सामने में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा।